क्या इसकी कितनी दूर है भाई? तो ये चार सूंड वाला हाथी, एरावत हाथी, ये देखिए यहाँ से लोग इस सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं और हाथी आर्टिफिशियल जो गाड़ी वाला हाथी है उस पर चढ़ते हैं यहाँ से सीढ़ी। जम्बूद्वीप जैन मंदिरों का एक विशाल परिसर। जम्बूद्वीप जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस परिसर के भीतर की कुछ वास्तुकलाएं काफ़ी अनोखी हैं। ये है जम्बूद्वीप, ये इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ जैनिज्म की। यहाँ पे कुछ इमारतें हैं, ये और यह विभिन्न वास्तुकला के प्रति उत्साही लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के कई मंदिर ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं और परिसर के भीतर एक ध्यान कक्ष भी है। सुमेरु पर्वत, तीन लोक मंदिर, कमल मंदिर, अंदर के कुछ आकर्षक मंदिर हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरा एक महीने का टॉनिक है। मुझे बड़े होने में आप मदद कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लोग किस तरह से दूर से देख रहे हैं, शायद यहाँ अब देखते हैं यहाँ जाना अलाउ है या नहीं।
जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के प्रसिद्ध जैन तीर्थ शहर में एक द्वीप के प्रकार का मंदिर परिसर है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धेय जैन साध्वी पूज्य आरिका रत्न ज्ञानमती माताजी ने 1965 में विंध्य पर्वत श्रृंखला में भवन बाहुबली की मूर्ति के समक्ष अपने ध्यान के दौरान इसके दर्शन किए थे। उनकी दृष्टि की प्रामाणिकता की पुष्टि बाद में हुई जब यह पाया गया कि इसका विवरण 2000 साल पुराने जैन शास्त्रों में दिए गए विवरण से मेल खाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने स्वप्न में भी यही दर्शन देखा था। निर्माण कार्य अभी भी यहाँ पे चल रहा है। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी सी इमारत यहाँ पे बनाई जा रही है। ये जम्बूद्वीप पूरा जैन लोगों का है, इसमें तो ये एंट्री दे भी रहे हैं। बाकी जो इनके पीछे जो मंदिर हैं और धर्मशालाएं हैं, वहाँ पे जो नॉन जैन लोग होते हैं उनको वो एंट्री ही नहीं देते हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं देते हैं, पर वो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। कहीं कहीं ज़्यादातर जगह वो अंदर भी जाने नहीं देते। ये देखिए हस्तिनापुर कई जैन मंदिरों का स्थान है। इसे भारत में जैनियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। साल भर यहाँ के मंदिरों में कई सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हस्तिनापुर के जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हस्तिनापुर को जैनियों का तीर्थ माना ही जाता है। जैसा कि जैन ग्रंथों में वर्णित भी है, यह स्थान जैनियों से बहुत अधिक जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उनके ग्रंथों के अनुसार हस्तिनापुर भगवान आदिनाथ द्वारा स्थापित महाजनपदों में से एक था, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान कई महान जैन मंदिरों से विभूषित है। जैन मंदिरों का स्थापत्य बहुत ही सुशोभित मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशियां जैनियों के इतिहास को दर्शाती हैं। एक बड़ा क्षेत्र वहां जैन मंदिरों द्वारा कवर किया गया है और उन मंदिरों को पूरा करने में इतना समय लग गया है और कई तो निर्माणाधीन हैं। अधिकांश मंदिरों का स्वामित्व किसी समिति के पास में है और मंदिरों के कर्मचारियों में एक पदानुक्रम बनाए रखा जाता है। इन समितियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर भव्य उत्सवों का भी आयोजन समय समय पर किया जाता है। जम्बूद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई सारे मंदिर और कई छोटे छोटे मंदिरों और हरे भरे बगीचों से घिरा एक लंबा ढांचा दिखाई देता है। यह लंबा ढांचा
और मुख्य परिसर के चारों ओर हरे भरे पार्क भी हैं। इसी जम्बूद्वीप परिसर में 12 भव्य मंदिर ध्यान मंदिर के रूप में भी स्थित हैं, जिसमें कि प्रसिद्ध मंदिर हैं कमल मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर और कीर्ति स्तंभ आदि। देख इस पे हाथी की, ये वहाँ पे देखिए लोग हाथी की सवारी कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल हाथी, अगर असली का होता तो हम बैठते भी नहीं। इधर से चल लेना, और इतना कभी इतना मतलब इतना हो रहा होगा यहाँ एम्पायर साम्राज्य भव्यता, और आज भव्यता के नाम पे जो हमें इतने भी नहीं ओ ये सवारी कर रहे टक्कर ले जाएगा मैं और मैं क्या बता रहा था। ये हाथी क्या, इसकी कितनी सूंड है भाई, ये देखिए चार सूंड वाला हाथी, ये रावत हाथी देखिए। यहाँ से लोग इस सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं और हाथी आर्टिफिशियल जो गाड़ी वाला हाथी है उस पर चढ़ते हैं, यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ के फिर उसके ऊपर बैठते हैं लोग जम्बूद्वीप रेल। कितना अच्छा है सच है, मुझे बड़े होने में आप मदद कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए।